वेलकम बैक टू घर जंक्शन, जहां हम आपको आपके सपनों के घर तलाशने में मदद करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। समंदर की लहरों में खुद को खोना किसे नहीं पसंद, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम योर ओन होम इन कल्याण। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये सच है। वेलकम टू अरिहंत आराध्या, वेयर कल्याण्स फर्स्ट बीच फ्रंट लिविंग ओपन्स यू अ न्यू डोर टू अ थ्रिलिंग लाइफस्टाइल। अरिहंत आराध्या 7.2 एकर्स का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1 and 2 BHK के 11 बिल्डिंग्स हैं अलॉन्ग विद एम्पल स्टिल्ड कार पार्किंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफस्टाइल अपग्रेड इन कल्याण, you already know where it is. Arihant Aradhya is located on Kalyan Annex, Kalyan Sapi Road, which is just 15 minutes away from Kalyan Station. And don't you worry if you want choices in educational institutes and hospitals. Now, let's move on to amenities. Arihant Aradhya deta hai aapko 10 plus amenities, including Kalyan's first man-made beachfront, which is 300 feet long, children's play area, gym, multi-purpose sports court, yoga and meditation area, etc. अरिहंत आराध्य को तो एक्सप्लोर कर लिया, अब हमारे साथ हैं मिस्टर विजय गरड़ जो इस प्रोजेक्ट के यूनिट हेड हैं। हम इनसे बात करेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लेंगे। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। हेलो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस स्केल पर बन रहा है? सबसे पहले अरिहंत आराध्य में आपका स्वागत है। अरिहंत जो प्रोजेक्ट है अपना वो कल्याण वेस्ट में है और ये जो अपना प्रोजेक्ट है उसका अराउंड प्लॉट एरिया जो है वो 7.5 एकड़ का है, जिसमें अपन ने अराउंड 11 बिल्डिंग्स हैं जो 14 स्टोरेज के बिल्डिंग्स हैं। सर, ये जो प्रोजेक्ट है इसका यूएसपी क्या है? अपना जो प्रोजेक्ट है अरिहंत आराध्या, इसका बिगेस्ट यूएसपी जो है कि यहाँ पर हम लोग बना रहे मैन मेड बीच। बेसिकली अगर आपने कहीं पर भी देखा होगा तो जो स्विमिंग पूल होता है वो बेसिकली 18 feet या फिर 100 feet का होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 300 feet का बीच बना रहे हैं, यानी जो स्विमिंग पूल है उसी को बीच का लुक दे रहे हो। yes, तो वही हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा यूएसपी है, जिसमें प्रॉपर उसमें सैंड वगैरह जो है, उसके बाद में कोकोनट के जो ट्रीज है वो सारी ट्रीज भी हम लोग लगाने वाले हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट यानी जो आपको दिखेगा हमारे प्रोजेक्ट में वो प्रॉपरली आपको बीच दिखेगा स्विमिंग पूल। वाओ सर, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सर, ये जो प्रोजेक्ट है इसका लोकेशन, इसका बेनिफिट कैसे है? ये जो प्रोजेक्ट है हमारा जो कल्याण वेस्ट में आता है, तो कल्याण वेस्ट जो है या फिर कल्याण आपको पता होगा कि मेट्रो सिटी है। इस पर यहाँ पर कैसा है कि ज़्यादातर जो मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर मेट्रोज वगैरह आ रहे हैं, बिग बिग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, इस वजह से जो प्रोजेक्ट है हमारा वो बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको रोड कनेक्टिविटी जो बताऊँ, तो अगर आप समझो नई मुंबई से यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो तो नई मुंबई से जैसे ही आप शिलफाटा आते हो तो शिलफाटा से आगे मेट्रो मॉल जो है कल्याण टुवर्ड्स कल्याण आते हो तो वहाँ से जो पत्री पुल है वहाँ से अपन दुर्गाड़ी की ओर आते हैं और फिर आगे जाके आप डायरेक्टली कल्याण में अपने यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ये हो गया वाशी साइड से। और सेकंड अगर अपन थाना साइड से आते हैं, थाना या फिर बॉम्बे जहाँ से भी आते हैं, जहाँ पर मुंबई नासिक हाईवे है तो वहाँ पर कल्याण भिवंडी बाईपास है, तो वहाँ से आप राइट मार के टूवर्ड्स फिर से कोन गोवई ये जो विलेजेस है वो कनेक्ट करके आप दुर्गाड़ी फिर से पहुँचते हो, तो दुर्गाड़ी से आगे आदरवाड़ी चौक है,
तो वो अदरवाड़ी चौक जो हो यहाँ का समझो मेन चौक है, तो वहाँ से आप कल्याण सापे रोड यानी पड़गा की तरफ या फिर से आप मुंबई नासिक हाईवे की तरफ आते तो वहीं पर अपना गंधारी जैसे ब्रिज क्रॉस करते तो वहीं पर ये अपना प्रोजेक्ट है। यानी ये रोड कनेक्टिविटी भी अच्छा है, उसके बाद में रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छा है। बाकी ओवरऑल जो अपना प्रोजेक्ट है उसके नियर बाय समझो डी मार्ट जो है विद इन 1 किलोमीटर पर डी मार्ट है, जो भी मोस्ट ऑफ स्कूल्स है जैसे विबग्योर है और मुथा कॉलेजेस है, बिरला कॉलेज है और अग्रवाल कॉलेज है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो विद इन 1 to 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है अपने एक देखा जाए तो। और उसके बाद में जो इमरजेंसी सर्विसेज भी है, अगर इमरजेंसी सर्विस में देखा जाए तो आयुष हॉस्पिटल्स है, फोर्टीज हॉस्पिटल्स है, ये सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी अपने प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर to 2 किलोमीटर के रेडियस में। और सर एमिनिटीज़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रोजेक्ट के एमिनिटीज में जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे क्लब हाउस के अंदर जो इंडोर गेम्स रहते हैं, उसके बाद में जिमनेशियम वगैरह और बड़ा एक बैंक्वेट हॉल हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये सारे इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं, मल्टीपर्पज कोर्ट है, उसके बाद में जॉगिंग ट्रैक है, ये सारी बेसिक चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी दे रही है। बाकी जो हम लोग दे रहे हैं वो मैन मेड बीच, ये बड़ी एमिनिटीज है सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट के USP है। डेफिनेटली सर। सर इस प्रोजेक्ट का पोजीशन कब तक है? प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट फेज लॉन्च किया है जिसमें 4 बिल्डिंग्स है, तो वो 4 बिल्डिंग का पोजीशन हम लोग दिसंबर 25 को दे रहे हैं। ओके सर, इस प्रोजेक्ट के आजू बाजू में कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है क्या? यस डेफिनेटली। कैसा है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे प्रोजेक्ट से नियर बाय अराउंड 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर दुर्गाड़ी करके एक लोकेशन है, वहाँ पर ऑलरेडी जो थाना भिवंडी और वहाँ से कल्याण के लिए जो मेट्रो आ रहा है वो अपने प्रोजेक्ट के 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और बाकी हमारे ही प्रोजेक्ट के अगर अपोजिट में ही देखेंगे अराउंड APMC ने 100 एकर का जो प्लॉट है वो ऑलरेडी एक्विजिशन किया हुआ है। तो जैसे आपने वाशी में देखा होगा कि APMC का मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो एज इट इज़ कल्याण में भी है लेकिन वो थोड़ा सा जो प्लॉट है वो कम है, इस वजह से उन लोगों ने यहाँ पर शिफ्टिंग किया है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 एकर में APMC मार्केट भी आ रहा है। और ये जो कल्याण से पड़गा रूट भी जो है इसको सापे रोड बोलते हैं, कल्याण सापे रोड, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स है जैसे सैमसंग है या फिर जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे अमेजोन है, वेलस्पून है, ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके तो वेयर हाउसेस वहाँ पर है। इस वजह से इसका जो आगे एप्रिसिएशन भी है बहुत ही स्ट्रांग है। ओके सर, सर अरिहंत आराध्य कौन से बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल करता है? अरिहंत आराध्य में ऑलरेडी सारे बैंक्स के टाइप हो चुके हैं, उनके APF आ चुके हैं, जैसे जो भी मल्टीनेशनल बैंक्स है HDFC है, ICICI है और बाकी IIFL है, बजाज, ये सारे बैंक्स ने ऑलरेडी हमें अप्रूवल दिया है। बाकी ऑलरेडी बुकिंग्स भी बहुत सारे हो चुके हैं और यहाँ पर अभी बाकी एग्रीमेंट करने के बाद फिर बाकी प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है और मेनली कैसा है जो हमारा प्रोजेक्ट है तो कल्याण में अगर आप देखेंगे तो लग्जरियस फ्लैट का ज़्यादातर स्केल है देखे जाएंगे तो, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लग्जरियस है पूरा लेकिन हम लोग कॉस्टिंग जो है वो अफोर्डेबल कॉस्टिंग में दे रहे हैं। इस वजह से आज अगर किसी को भी कल्याण में प्रॉपर्टी लेना है तो वो प्रीफर है कि अरिहंत आ रहा है। सर आप अपने फ्लैट डिटेल्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारा जो अरिहंत आराध्य प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 and 2 BHK ऐसे दो ही वेरिएंट हमारे पास है, तो 1 BHK में अप्रॉक्सीमेटली जो उसका कारपेट है 375 का कारपेट है और 2 BHK में 549 का कारपेट है, जो बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है, तो वो आप खुद देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा किस तरह है। सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपके व्यूवर्स को या फिर पूरी जनता को बताना चाहूँगा कि अरिहंत आराध्य प्रोजेक्ट में आपका भी स्वागत है, आप भी आइए। जो अभी जो भी कॉस्टिंग चालू है वो पॉसिबिलिटी है कि आगे सेकंड फेज या फिर थर्ड फेज लॉन्च होगा तो उस वक्त बढ़ेंगे, इस वजह से मैं आपको आने का निवेदन दे सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका प्रीशियस टाइम हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए दिया। आई एम श्योर वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। So that is it for today guys. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच अमेजिंग प्रोजेक्ट्स।